हे गाइस, सिंपली मैंने वॉश कर लिया है एंड रिजल्ट आप लोगों की आंखों के सामने है। तो बिल्कुल स्किन ऐसे शाइन कर रही है, ऐसे ब्राइट स्किन हो चुकी है, आप लोगों की आंखों के बिल्कुल सामने है। सो अगर आप लोगों को अपनी स्किन को ब्राइट करवाना है, स्किन को ग्लो कराना है और स्किन को वाइट भी करवाना है और वो भी ऐसे फास्ट, तो फिर आप लोगों को किसकी दे रही है? मेरी देरी है। मैं हर चीज गाइड करूंगा और जो लोग फास्टली अपने चेहरे को व्हाइट करना चाहते हैं, ग्लो करवाना चाहते हैं, वो उन लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा वीडियो के साथ बने रहिएगा एंड तक। मैं आपको गाइस गाइड करने वाला हूं कि आप किस तरीके से इंस्टेंटली अपने चेहरे को आप व्हाइट ब्राइट ग्लोइंग कर सकते हैं। सो जाना नहीं आप लोगों ने, अब आ दो गए हो ना, सबसे पहले लाइव रिजल्ट देखो। तो चलिए सबसे पहले मैं आपको लाइव रिजल्ट दिखाता हूं। तो लड़कियों को लेके लड़कों को भी सबको ये होता है कि भाई 2 से 3 दिन में ऐसे व्हाइट रंग हो जाए, तो फिर किसने मना किया है? चलो करो फिर मेरे साथ और जैसा बताऊंगा सेम उस तरीके से करो। तो मैंने ये पैक बनाया है, मैं बाद में बताऊंगा किस तरीके से आपने इसको बनाना है। पहले बनाना मैं आपने ना इसको अप्लाई करना सीख लेना, अभी गिरने लगा था वैसे। अच्छा चलो, सबसे पहले आपने कभी ब्रश लेना है एंड उसके साथ अपने फेस के ऊपर अप्लाई करना है। चलिए क्या देख रहे हो, मैं अप्लाई करके वापस आता हूं। यार पानी वाला है तो पानी ना नीचे बह रहा है, बट डोंट वरी यार, मेरे पे होने दो। अच्छा सबसे पहले ना अभी आपने वेट करना है 10 से 15 मिनट के लिए, इसे चेहरे पे लगे रहने दो, थोड़ा सा पानी निकलेगा अभी रुक जाएगा। तो 10 से 15 मिनट वेट कर लो, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि नेक्स्ट स्टेप आपने क्या करना है। तो गाइस 10 मिनट कंप्लीट हो चुके हैं, आप लोगों ने जाना नहीं है, मैं अभी यहां पर हर चीज करके दिखाऊंगा। कोई भी स्पंज लेना है, धोना नहीं है हमें इसको, स्पंज से साफ करना है। तो स्पंज लें और इसको उतार लें अपने फेस से, सिंपली चलिए मैं उतारता हूं आप लोगों के सामने। हे गाइस, सिंपली मैंने वॉश कर लिया है एंड रिजल्ट आप लोगों की आंखों के सामने है। तो बिल्कुल स्किन ऐसे शाइन कर रही है, ऐसे ब्राइट स्किन हो चुकी है, आप लोगों की आंखों के बिल्कुल सामने है। और जो लोग कहते थे ना जल्दी 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 कलर व्हाइट हो जाए, तो उनके लिए फिर एक अच्छी और स्पेशल चीज है, जरूर अप्लाई करें और अपने चेहरे को व्हाइट करें। सो गाइस सबसे पहले आप लोगों को यह करना है मेरे भाई, आपको अभी ब्लेंडर वाला जग ले लेना है क्योंकि हमने इसको ब्लेंड करना है। तो इसमें जो जो चीजें मैं आपको बताऊंगा आपने लिख लेनी है। तो सबसे पहले आपको यह करना है भाई, एक चम्मच आपको मलाई की लेनी है, दूध की जो मलाई होती है ना वो चलेगी, दही की मलाई नहीं चलेगी, और दूध की मलाई चलेगी, आपने एक चम्मच इसमें वो डाल देनी है। फिर उसके बाद भाई नेक्स्ट ही रहेगी हनी, आपको शहद लेना है, ये देख लीजिए आपको 2 चम्मच, मिकदार नोट डाउन रखनी है आप लोगों ने, 2 चम्मच आपको हनी की इसमें ऐड कर देनी है। तो चलिए ये हो गया 1 चम्मच, मैं हर चीज आपको गाइड कर रहा हूं क्योंकि मैं आपको लाइव रिजल्ट दिखाने वाला हूं, तबाही वाला। तो ये आप लोग देख लो, 2 चम्मच हनी की मैंने इसमें ऐड कर दी है। तो गाइस उसके बाद नेक्स्ट रहेगी, ये देखें ये सूखी पत्तियां हैं जो कि हैं गुलाब की सूखी पत्तियां, आपको पंसार की शॉप से मिल जाती हैं, आपने वो लेनी है और चंद बिल्कुल थोड़ी सी आपने इसमें ऐड करी, देख लें बस इतनी सी आपने इसमें ऐड करनी, कुछ ज्यादा नहीं आपने इसमें ऐड करनी। फिर उसके बाद नेक्स्ट चीज भाई रहेगी कि आपको गुलाब की पत्तियां लेनी है, तो आपको उसका पेस्ट बना लेना है। पेस्ट बना लेना मेरे भाई, ये देखिए मैंने पेस्ट बनाया हुआ है, गुलाब की पत्तियां लें, उसमें थोड़ा सा पानी डाल के ग्राइंडर में डाल के उसे ब्लेंड कर दें तो पेस्ट बन जाएगा जैसे मैंने बनाया हुआ है। तो ये पेस्ट देख लें भाई, अब आपको इसमें थोड़ा सा पानी निचोड़ लेना है, ठीक है, आपने जो पेस्ट हमने बनाया हुआ है वो इसमें ऐड करना है, 2 चम्मच आपने पेस्ट इसमें ऐड कर देना है। हम इसलिए ये गुलाब और गुलाब की पत्तियां ऐड कर रहे हैं, इसका पेस्ट ऐड कर रहे हैं क्योंकि मेरे भाई इससे हमारी स्किन पिंक पिंक हो जाएगी। फिर उसके बाद नेक्स्ट चीज मेरे भाई रहेगी हल्दी, तो आपने ये करना है हल्दी लेनी है 2 चुटकियां, ठीक है, 2 चुटकियां आपने हल्दी की इसमें ऐड कर देनी है। मैंने इसमें तमाम चीजें ऐड कर दी हैं, अब मेरे भाई इसमें ये चीज रहेगी कि हम इसको ब्लेंड कर देंगे, ठीक है, ब्लेंड करने के बाद में आपको इसका लाइव रिजल्ट दिखाऊंगा। सो गाइस मैंने ब्लेंड कर लिया, कोई भी बाउल ले लीजिएगा एंड मैंने ब्लेंड कर दिया, तो आपने इसमें वो ऐड कर देना है। तो ये देख लें, सो देख लें मिक्सचर कंप्लीटली बन चुका है जो कि मैंने अपने फेस के ऊपर अप्लाई किया था और आपको इसका लाइव रिजल्ट दिखाया था। Hey guys, simply I hope कि आपने लाइव रिजल्ट भी देख लिया, आप हैप्पी भी होंगे अब आप, एंड उसके अलावा मेरे भाई आपने रेमेडी भी सीख लिया किस तरीके से बनाना है। अब इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट बातें रहेंगी, तो कान खोल के और कॉपी पेन से लिख के ना लिख लेना मेरे भाई, अब मेरी बात को ना सुन लेना। अब सबसे पहले मेरे भाई ये है टेम्परेरी स्किन वाइटनिंग एंड स्किन ग्लोइंग स्किन शाइनिंग,
टेम्परेरी यानी कि थोड़ी देर के लिए। अब इसको हम कैसे परमानेंट करेंगे? अगर हम हफ्ते में डेली बेसिस पे यूज करेंगे तो फिर इंशाल्लाह फुल चांस है कि ये आपकी परमानेंट स्किन वाइटनिंग, स्किन ग्लोइंग बन जाएगी। सो एक ही बार में करने से बिल्कुल नहीं हो पाएगा, आपको 3 से 4-5 दिन रेगुलर बेस पे यूज करना पड़ेगा, देन ही आपका परमानेंट हो जाएगा। सो गाइज, इसको हम स्टोर तो नहीं कर सकते, आपको डेली बेसिस पे फ्रेश बनाना पड़ेगा। एंड अगर हम साइड इफेक्ट पर बात करें तो जो कि आप लोग कहोगे भाई साइड इफेक्ट यार बता दो फास्ट, मुझे कहीं नुकसान ना हो जाए भाई, मेरी स्किन ना खराब हो जाए, तो 0% इसका साइड इफेक्ट है, नो डाउट कोई इसका साइड इफेक्ट नहीं है। आई होप कि इस वीडियो के बारे में जितने भी मैंने क्वेश्चन थे क्लियर कर दिए, बट आप लोगों का कोई भी क्वेश्चन है तो जरूर कमेंट करिएगा, इंशाल्लाह मैं उसका जरूर जा दूंगा। मैं आपके साथ मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक मुझे इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज़।